हेडलाइन पर। फोटो देख वरुण धवन बोले, मेरे माता पिता ने किसी को अडॉप्ट कर लिया है। टीवी की नागिन अब मौनी रॉय नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ करेंगे रोमांस। खतरों के खिलाड़ी के विनर बने पुनीत पाठक। अब खबरें विस्तार से। फोटो देख वरुण धवन बोले, मेरे माता पिता ने किसी को अडॉप्ट कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म कलंक का ट्रेलर कल 12 मार्च को रिलीज होना है। वरुण इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। 1940 की कहानी पर बने इस फिल्म में अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हाल में ही वरुण ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है, किसी और को गोद ले लिया है। इस कमेंट में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के लिए ही पोस्ट किया है। टीवी की नागिन मौनी रॉय नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ करेंगे रोमांस। बोली, चूड़िया में निभाएंगी लीड रोल। जगत का फेम सीरीज नागिन की एक्ट्रेस मौनी रॉय के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर है कि इस एक्टर के हाथ और नई फिल्म हाथ लग गई है, जिसमें वह बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रोमांस करते नजर आएंगी। मौनी रॉय ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में 2017 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म की काफी प्रशंसा की गई थी। मौनी जल्द ही ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर आलिया भट्ट में भी नजर आएंगी। साथ ही साथ जॉन अब्राहम की रोमांस अकबर वॉल्टर और राजकुमार राव की फिल्म मेड इन चाइना में लीड रोल में नजर आएंगी। खतरों के खिलाड़ी 9 की पुनीत पाठक बने खतरों के खिलाड़ी के विनर। इस सीजन में आदित्य को हरा कर पुनीत पाठक ने खतरों के खिलाड़ी का 9 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुनीत को इनाम के रूप में 20 लाख रुपए मिले, साथ ही साथ उन्हें मारुति की एक शानदार कार भी दी गई है। आपको बता दें कि पुनीत टॉप 3 फाइनलिस्ट में शामिल हुए। उनके साथ आदित्य नारायण और रिधिमा पंडित भी फाइनलिस्ट के लिस्ट में थे। रविवार को हुए शो फिनाले के आखिरकार में आदित्य नारायण को टक्कर में देख पुनीत ने टास जीतकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।